कोविड टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार को जिला अस्पताल सहित 93 केंद्रों पर 26,003 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 19,417 और सेकेंड डोज लेने वालों में 6,586 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिले में 2 अभिभावक स्पेशल तथा 2 महिला स्पेशल बूथ बनाया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम में 1 बूथ पर ठेला खुमचा वालों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी CHCO और PSC पर भी टीका लगवाया गया है। CMO ने कहा कि अब वैक्सीन की कमी नहीं है। सोमवार को 10,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित था, लेकिन लक्ष्य से अधिक का वैक्सीनेशन किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीका लगवाने वालों एवं CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, पूरे फैमिली मेंबर में इस समय तो बहुत मस्ट है, सबको लगवाना चाहिए। इससे प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं। अभी कोविशील्ड नहीं है, हम लोग तो कोविशील्ड लगवाना चाहते थे, लेकिन कोवैक्सीन ही अभी ऑप्शन में था। लेकिन यह है कि चलिए कोई भी लगवा ले, अभी इसके भी लैकनेस हो जाएगी तो इसकी भी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। मतलब आप अपने सुरक्षित समझ गए? जी, सबको समझना चाहिए। एज अ नेशनल पर्सन, मतलब अपनी नेशनलिटी के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए सबको लगवाना चाहिए ना, सबको ज़रूरी है। तो आपके साथ साथ दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे? जी, सब लोग रहेंगे, हम रहेंगे तभी ना हम दूसरों को वो इंस्पायर करेंगे कि आप भी लगवाइए। हाँ, हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे आसपास लोग भी सुरक्षित रहेंगे। पूनम राय, मैंने अभी अभी इंजेक्शन ये कोविशील्ड लगवाया है, जिससे सब लोग सुरक्षित रहेंगे, आप सबको भी लगवाना चाहिए। थैंक यू। आज 93 जगहों पर हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें से 2 महिला अभिभावक स्पेशल है, महिला स्पेशल है, 2 अभिभावक स्पेशल, 1 नगर निगम में चल रहा है, तो हमारी अर्बन PSC 20 अर्बन PSC उस पर चल रहा है, हमारी CSC PSC पर चल रहा है। आज का लक्ष्य हमारा 10,000 से ज़्यादा का है। वैक्सीनेशन अच्छी गति से हो रहा है, हम 10,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन आज करेंगे।